जगन्नाथ ये धाम सतयुग का है। वो कैसे, जब माता सती को भगवान कंधे पे लेके घूमते थे, उनमें 51 खंडों में एक खंड गिरा यहाँ। वो कौन सा, उड़ीसा का पहला नाम क्या है, नाभि क्षेत्र। ये नाभि है, नाभि, ये नाभि कौन है, आदि शक्ति कौन है, विमला। ये जगन्नाथ जो है उड़ीसा की आदि देवता है, प्रथम देवता है उड़ीसा का। भगवान शिव ने इनको आदि शक्ति की रक्षा के लिए स्थापना किया था, ठीक है, भैरव स्वरूप में। इनको कहता है देवी भागवत में है जगन्नाथ महाभैरव, ठीक है। ये जो जगन्नाथ जी का दो ही दर्शन होता है, एक दर्शन एक महाप्रसाद। महाप्रसाद दर्शन को जितना महत्ता है उतना ही महत्ता महाप्रसाद का है, क्योंकि भगवान कलयुग में यहाँ भोजन 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 करना बताया। हाँ, तो कहते हैं ना, अन्न ही प्राण है, प्राण ही जीव है, जीव ही शिव है। इसीलिए भगवान कलयुग में अन्न स्वरूप में है प्राण। तो महाप्रसाद जो ग्रहण करता है, अभी जब भगवान आए हैं, साल भर में एक यात्रा होती है, रथ यात्रा होता है, तो रथ यात्रा अपनी भक्तों के दर्शन के लिए बाहर आते हो, वो दर्शन के लिए बाहर आते हैं। यहाँ भारी उत्सव होता है, पूरा देश में ऐसा उत्सव कहीं नहीं होता। उड़ीसा में जो जगन्नाथ यात्रा होता है वैसे पूरा देश में हर तीर्थ में होता है, यात्रा तो बहुत होता है, लेकिन ऐसा यात्रा कभी नहीं होता। हमने तो कोई मदद ढूंढा नहीं है, लेकिन इसकी एक्सपीरियंस मेरे को है। मैं आज 17 या 18 साल पहले मैं जगन्नाथ आया था। कहाँ से, काशी से पैदल आया था मैं यहाँ। मेरे को पता नहीं था धाम पहला, तो आया तो मैं समुद्र किनारे गया, रात हो गया। तो उस समय मूर्ति को छुआ करते थे लोग, अभी छूना बंद हो गया। उस समय मूर्ति अंदर जाके छूते थे, तो मैं छुआ भी नहीं अंदर जाके। तो अंदर बाहर गया तो समुद्र तट पे, तो मेरे को रात भर हर एक मठ घुमाने जैसा हुआ था हाथ धर के। हाँ, फिर सवेरे बैठे में मैं जगन्नाथ जी गया, रात में जो महाप्रसाद पाया था वो सवेरे मेरे को मंदिर में देखने को मिला था। तो तब मैं वहाँ महाप्रसाद पाया, और उस समय मैंने 15 दिन था। फिर हमेशा उस समय से मैं जगन्नाथ जी आते जाता रहता हूँ। और जगन्नाथ तो समझ लो ना, प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष रूप में भी है। जगन्नाथ जी को मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर भक्त अगर कामना भी करता है ना, उसको अपने आप पूरा हो जाता है। मांगने की क्या ज़रूरत है, जो अब सूरज है वो हमको देख रहा, हम क्या बताएंगे, हम वो ऐसा ऐसा है। भगवान जगन्नाथ हमारे अंदर में भी जानते हैं और बाहर के भी जानते हैं। मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ता, भक्त की भक्ति के ऊपर निर्भर रखता है। इसीलिए और उड़ीसा क्षेत्र में ये जो जगन्नाथ है, ये सारा राष्ट्र को भक्ति का एक माध्यम है। हाँ, भक्ति दर्शन है। हाँ, यहाँ जगन्नाथ जी के आने के बाद यहाँ छोटा हो बड़ा हो, कोई जात हो कोई धर्म हो, सभी लोग अपने भगवान के पास जाते हैं और दर्शन करते हैं। अब सवेरे से यात्री दिन में धूप में ही है, लेकिन किसी को धूप का एहसास नहीं होता, वो ऐसे वैसे भगवान जगन्नाथ के चरणों में रहता है। इसीलिए मेरे बात को विराम करता हूँ, जगन्नाथ कलयुग का देवता है। हाँ, साकार ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप में है भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ ही सर्वस्व है उड़ीसा के अंदर, तो पूरा देश के लिए वो बात है, लेकिन मेन इस प्रांत के लिए तो सर्वस्व। ये नाभि क्षेत्र है, ये पौराणिक स्थान है, ये आज का नहीं, सतयुग का क्षेत्र है। तो कालांतर में हमने जैसा बनाया वैसे चलता रहेगा ना आगे। इसीलिए विमला जो है ये उड़ीसा के प्रथम नाम नाभि क्षेत्र है, और नाभि क्षेत्र इसका मतलब नाभि। नाभि में अष्टकमल दल वाला चक्र होता है। जगन्नाथ के मंदिर में नील चक्र है, वो कितना दल का है, 8 चक्र का है। और जगन्नाथ के नीचे भी यंत्र होता है, वह 8 चक्र का ही होता है। और दूसरा प्रमाण ये है, जगन्नाथ जब प्रसाद पाते हैं उसको प्रसाद कहा जाता है, और जो विमला माता बाद में प्रसाद पाती है वो महाप्रसाद बन जाता है। विमला आदि शक्ति है, इसीलिए भगवान जगन्नाथ की बहुत कृपा है। मैं सभी यात्रियों को अपील करता हूँ, वंदना करता हूँ, तो जैसे दर्शन करते हो वैसे ही महाप्रसाद भी जगन्नाथ का ग्रहण करके जाओ, क्योंकि महाप्रसाद कलयुग का अमृत है। हाँ, अमृत कलयुग का ही अमृत है, समझ लो।